हेलो नमस्कार, लपता नहीं उसे मैं लफाड़े कैमरामैन सुखाड़े साथ जुड़ चुके हैं। हमें गुप्त रोग से पता चला है कि दो भाइयों के बीच जमीन की बंटवारा चलते मार हो रही है, उनसे एकदम मतलब दूसरी तरफ व्यवहार किया जा रहा है, तो चलिए जानते हैं क्यों हो रहा है। हेलो 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 हेलो, अरे जी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम इसे जमीन मांगे नहीं दे। ये मेरा छोटा भाई, हम इसे दुबई भेजे थे पढ़ाई करने के लिए। दुबई से पढ़ाई करने के जगह पे एक छोकरी से शादी करके यहाँ आया हमारा, और हमसे जमीन मांग रहा। हमारे पास जमीन इसी पे एक झोपड़ी है, उसी में हम पूरा परिवार के अपना साथ रहते हैं, उसी में एक ही झोपड़ी हमें, वो उसमें भी आ करके बोल रहा हमें जमीन चाहिए। हम उतनी में मतलब अपन लोग, मतलब आप ये दोनों भाई है, ये लड़का, ये छोटा भाई आपका है? जी हाँ, ये मेरा छोटा, ये छोटा भाई आपसे जमीन मांग रहा है, घर मांग रहा है, यही ना? तो हाँ जी, आपका बड़े भाई सही बात बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो आपको बड़ा भाई मेहनत करके जमीन किसानी पढ़ करके खेती उती बाड़ी करके आपको दुबई भेजे थे पढ़ने के लिए, आप वहाँ गए एक छोकरी से शादी कर लिए, तो आप ऐसा क्यों किए? हमको पसंद आई, कर ली शादी। तुमको पसंद आई, तुम कर लिया शादी? तुमको पता है बड़े भाई के इतना मेहनत से तुमको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजता था पैसा है क्या? पूरा हम बहुत मेहनत करके सोचे थे इसको पढ़ा के कुछ सर्विस कर। तुम ये बताओ, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम एक छोकरी से शादी तुम कर लिए है, तुमको बताइए तुम अपने बड़े भाई से तुम और जमीन खोजता है? तो हमारे भी बीवी है, हम भी हमारा भी बाल बच्चा हुआ, हम हिस्सा लेंगे ना, हम कैसे खिलाएंगे बाल बच्चा को? हमारी बीवी है जो फैशन से चूर है, खाना बनाने नहीं आता, कुछ करने नहीं आता। हमारा भी फैशन है, मेरी बीवी का फैशन है, तो हम कहाँ से लेंगे, हम कहाँ से लेंगे, हिस्सा तो लेंगे ना। तो मतलब ये तो ठीक है, मतलब होने वाला है लड़का ने? हाँ होने वाला, कुछ ही महीना बाकी है, कुछ ही महीना बाकी है। तुम ये बताओ, तुमको ये दुबई वाली छोड़ी कैसे तुमको हाथ लगी? हम हमारे क्लास में ही पढ़ती थी, हमारे साथ ही पढ़ती थी, तो उसे भेद में छोटे छोटे हमसे बात करने लगी। तो मतलब तुम शादी करके तुम अपने गांव ले आई? हाँ अपना गांव ले चला। तो आप बताइए इनके बड़े भाई कि आप इनको न्याय मतलब जमीन देंगे, घर देंगे? हम जमीन इसे कहाँ से दे, हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ी है, वो झोपड़ी में हम सिर्फ चार प्राणी अपने रहते हैं, तो हम इसे कहाँ जमीन जायदाद दें? तो इनको मतलब इनको कैसे एडजस्ट आप कीजिएगा जी? हम तो एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं कि तुम भी इसी में रहो, तो इसका कहना मेरा माओग है जो फैशन से चूर है, वो इस फूटल फाटल घर में नहीं रहेगी। तो अब बताइए हम क्या करें, ये शादी किया तो इसको पहले सोचना चाहिए था ना? जी सोचना तो चाहिए था। फैशन से क्यों किया? मतलब आपको, आप लोग बड़े भाई को नहीं बताया कि हम शादी करें? मतलब कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट घर आके हमसे लड़ाई करने लगा कि हमें जमीन जायदाद चाहिए। तो हमने पूछा क्यों, तो फिर बताया कि हम शादी कर लिए, हम मेरा बेबी ऐसे ऐसे है, तो फिर हम सब चीज जाने मतलब जमीन हम जगह। हम कुछ आपका दर्द समझ सकते हैं, तो आपका यही पत्नी है हमका है? हाँ यही है हमारा पत्नी। तो मतलब छोड़िए, तो आप क्या करेंगे, आप इनको छोटा भाई? हम कैसे इसको दे दे, हमारे पास कुछ, हम बोल तो रहे हैं कि तुम भी इसे में ला के रखो। नहीं हमको अलग हिस्सा चाहिए, मतलब इसको अलग हिस्सा चाहिए न? हाँ इसको अलग हिस्सा चाहिए, तो हम कहाँ से दे? तो हम तो मतलब आपके दो बच्चे हैं, एक बीबी है। हाँ आप ही में एक लोग, आप लोग एक ही झोपड़ी में रहते हैं? हाँ एक ही छोटा सा झोपड़ी में रहते हैं। इनको छोटा भाई चाहिए, एक महल चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, और खाना पीना के लिए स्टैंडर्ड खाना चाहिए। हाँ। क्या जी? हाँ बस तो ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस कर लीजिए, और क्या, अपने परिवार को बस आइए, समझ नहीं, परिवार को बस आइए और अपने खुश रहिए। तो चलिए समझ गया, हाँ हमको हिस्सा चाहिए बस।